हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 3.1 के कुछ सवालों को। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द रेडियन मेजर कोरस्पोंडिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। यानी हमें रेडियन में क्या करना है, डिग्री में दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन, और इसको हमें क्या करना है, रेडियन में मेजर करना है। इसको हमें क्या करना है, रेडियन में मेजर करना है। देखो, अगर जिसको मान लो कि जिसको जिसमें मेजर करना है, जिसको मेजर करना है उसे हम लिखेंगे किसके, एलएचएस की तरफ, और जिसको जिसको जिसमें जिसमें मेजर करना है उसको हम लिखेंगे किसकी ओर, आरएचएस की तरफ। हम पहले यहां से एक इनिशियल रिलेशन लेकर चलेंगे। देखो, सॉल्यूशन देखो 25 डिग्री है, तो 25 डिग्री को किसमें मेजर करना है, रेडियन में। अगर डिग्री को तो डिग्री वाला हम इधर लिखेंगे एलएचएस की तरफ, यानी 180 डिग्री इक्वल कितना होता है, पाई रेडियन होता है ना, पाई रेडियन। देखो, एक डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 हो जाएगा, और इसलिए देयरफॉर 25 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 मल्टीप्लाई 25 डिग्री, इतना रेडियन हो जाएगा। यहां पे हम काट पीट में चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, यानी 5π/36। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या, देखो पाई में पाई क्या बताता है, रेडियन, पाई आ गया तो समझो कि ये रेडियन में क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया। डिग्री को हम किस में कन्वर्ट कर दिए, रेडियन में कन्वर्ट कर दिए। यहाँ पे देखो, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे माइनस 47 डिग्री 30 मिनट। अब देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे देखो डिग्री था तो यहाँ पे हम रेडियन में मेजर करते हैं, यहाँ पे देखो डिग्री और मिनट दोनों में है, तो हम पहले क्या करेंगे, मिनट को डिग्री में ले जाएंगे, और डिग्री में ले जाएंगे और डिग्री को किसमें अब हम कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। यानी सॉल्यूशन देखो, हाँ को थ्योरम में पढ़ाए थे, एक डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट होता है, और एक मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। देखो, अगर हमें किसको बदलना है, देखो 30 मिनट को, यानी देखो एक डिग्री इक्वल कितना होता है, यहाँ पे लिखा है देखो 60 मिनट होता है ना, अगर इसे हम 2 से डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा, 30 मिनट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हाफ डिग्री, यानी 30 मिनट में कितना हो जाएगा हमारा, हाफ डिग्री हो जाएगा। यानी देखो माइनस कॉमन, माइनस सब में है, और देखो यहाँ पे देखो 47 डिग्री प्लस, अब 30 मिनट में क्या लिखते हैं, प्लस हाफ डिग्री। अब देखो, अब हम क्या करें, माइनस एलसीएम हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कितना है, 94+1, यानी -95.2 डिग्री हो जाएगा। अब हम इसे क्या करेंगे, देखो 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, देखो अब हमें यहां पे क्या करेंगे, अब ये डिग्री में आ गया, अब हमें किसमें मेजर करना है, रेडियन में मेजर करना है, तो हम यहां पे लिखेंगे, चूंकि यहाँ देखो इनिशियल रिलेशन यही ना था हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, यानी एक डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा, पाई 180 रेडियन। यहां से देखो, इस देयरफॉर, इसलिए यहां पे देखो माइनस 95/2 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 मल्टीप्लाई कितना, 95 - 95/2। ध्यान से देखो, यहाँ पे हम काट पीट में चाहेंगे, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 45 और 5 = 36, यानी यहां से हो जाएगा 19 - 19π/36। ये क्या हो गया हमारा, देखो यहाँ पे देखो क्या हो गया, पाई आ गया, यानी ये क्या हो गया, रेडियन में हमारा क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, पाई रेडियन।
आंसर। अब हमारा तीसरा और चौथा क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है, देखो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। तीसरा है हमारा 240 डिग्री को क्या करना है, रेडियन में इसे हमें बताना है कि रेडियन में इसका वैल्यू क्या होगा, यानी फिर हम क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू लेकर चलेंगे, यानी 180 डिग्री सॉल्यूशन, 180 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई रेडियन लिखेंगे, पाई रेडियन, एक डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन। इसलिए देयरफॉर 240 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 मल्टीप्लाई 240 रेडियन हो जाएगा, यानी यहां से देखो यहां पे काट पिट पर जाएंगे, यानी 0 से 0 कैंसिल और 6 3 18 4 12 में कितना, यानी 4 पाई बाई कितना हो जाएगा, 4 पाई बाई 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 520 डिग्री को कह रहा है कि इसमें रेडियन में बताना है, रेडियन में मेजर करना है, यानी यानी यहां से देखो, यहां से हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, एक डिग्री इक्वल कितना होगा, पाई बाई 180 रेडियन, एक डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। देयरफॉर इसलिए 520 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 मल्टीप्लाई 520 डिग्री, यानी 0 से 0 कैंसिल, यहां से देखो दो दूना चार दो छक 12, यानी यहां से हो जाएगा 26 पाई बाई 9, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वहां पे हमें देखो क्या करना है, यहाँ पे था रेडियन को किसमें, रेडियन को रेडियन डिग्री को रेडियन में मेजर करना था, वहां पे क्या होगा कि रेडियन को हमें डिग्री में मेजर करना होगा, जस्ट इसके अपोजिट, यहाँ देखो पाई बाई 180 ले रहे थे ना यहाँ पे, तो वहां पे क्या लिखेंगे, देखो पाई रेडियन, अब देखो उसमें क्या करना है, हमें रेडियन को डिग्री में बदलना है, तो अब हम क्या करेंगे, इनिशियल जो रिलेशन है इसको हम क्या करेंगे, प्लट देंगे, यानी देखो पाई रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बस, और वन रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन रेडियन यानी 180 डिग्री बाई पाई, 180 डिग्री बाई पाई। यहां देखो जब हम डिग्री को रेडियन में कर रहे थे तो पाई बाई 180 आ रहा था, और यहां पे देखो जब हम रेडियन को जब डिग्री में मेजर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स होता है ये। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री मेजर कोरस्पोंडिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर यूज पाई इक्वल टू 22/7। देखो जिसको जिसमें मेजर करना है, हमें यहाँ पे रेडियन को डिग्री में मेजर करना है, रेडियन को डिग्री में मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, देखो रेडियन को डिग्री मेजर करना है, यानी रेडियन को तब पहले क्या लिखेंगे, रेडियन यानी एक हम क्या करेंगे, एक इनिशियल इक्वेशन बनाएंगे, यानी पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है, पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, यहां से वन रेडियन, वन देखो ये सी को क्या करता है, इस ये रेडियन को सूचित करता है, यानी वन रेडियन क्या हो जाएगा 180 डिग्री बाई पाई, यहां से क्या हो जाएगा, देयरफॉर 11/16 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री बाई पाई मल्टीप्लाई 11/16। यहाँ पे देखो कह रहा है कि पाई का हमें वैल्यू पुट करना है, यहाँ कितना 22/7, यानी 180 डिग्री मल्टीप्लाई 11/22/7, 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे रह जाएगा और 16। देखो अब यहाँ पे हम काट पीट मचाएंगे, यहाँ पे देखो 4 चौक 16 4 5 20, ये हुआ 45, 11 2 22, यहाँ पे लिखेंगे 45 × 7/8, तो ये हो जाएगा हमारा 315 315/8, तो यहाँ से 315 बाई ये क्या आ गया हमारा 8,
तो हम इसे क्या करेंगे, इसको इसे क्या करेंगे, 8 से इसको हम डिवाइड करेंगे 315 को। मान लो यहाँ पे 315 है और इसे हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं, 38, 24, 7, 8, 9, 72 यानी 3, यानी ये क्या हो जाएगा, ये तो पूरा डीडी में हमें क्या हुआ है, कन्वर्ट हुआ है। तो हम देखो, हम किसी चीज को क्या कर सकते हैं, पूर्णांक में, इंटीजर में हम नहीं रख सकते हैं, हम इसे क्या करेंगे, रियल नंबर में हम इसे क्या करेंगे, तोड़ेंगे। यानी ये पूरा हो गया कितना, 39 डिग्री। अब देखो 39 डिग्री, अब 3/8 डिग्री। हम इसको देखो यहाँ पे क्या है, इंटीजर में, इंटीजर में हम इसको नहीं छोड़ सकते हैं, इसे हम क्या करेंगे, रियल नंबर में हमें बदलना होगा। यानी इसे हम पहले मिनट सेकंड में हमें इसे क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। यहां से देखो तो क्या आपको पढ़ाए थे, 1 डिग्री इक्वल कितना होता है, 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में कितना, 60 सेकंड होता है। यहां से देखो, अगर हम देखो यहां पे देखो 39 डिग्री प्लस, अब देखो 3/8 को हम किस में करेंगे, अब मिनट में बदलेंगे, मिनट में। यहाँ हम क्या करें, 60 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 डिग्री कितना है हमारा, 60 मिनट है, 60 मिनट। देयरफॉर इसलिए 3/8 डिग्री छोटी कितना हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई 3/8 हो जाएगा। उसी तरह से क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 3/8 मल्टीप्लाई 60, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मिनट में चेंज हो जाएगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, मिनट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम काट पीट मचाएंगे, देखो यहाँ पे देखो 4 × 8 काट पीट मचा लो, 4 × 8 और 4 × 4, 4×5, 20 यानी 39 डिग्री प्लस 15 × 45/4 कितना है, ये मिनट, इतना मिनट। अब इसमें 45/4 में पूरा पूरा मिनट कितना हो जाएगा, देखो 39 डिग्री और इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो सॉरी यहाँ पे 4 से इसको क्या किए हैं, यहाँ पे काटे हैं, तो यहाँ पे 4 × 8 और ये 15 × 4 = 60 होगा, तो यहाँ पे क्या 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 39 डिग्री, अब 45/2 है, इसे पूरा पूरा कितना मिनट होगा, यानी 22 मिनट होगा, 22 मिनट प्लस 22 मिनट और बचेगा कितना है, 1/2, 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट। अब हम 1/2 को भी क्या इसमें करेंगे, अब इसे हम सेकेंड में लेकर चलेंगे, तो 1/2 को हम किसमें, फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसमें चला जाएगा, सेकेंड में चला जाएगा। यहां से देखो 39 डिग्री प्लस 22 मिनट, यहाँ पे देखो 1/2 × 60 कितने किसमें चेंज कर जाएगा, सेकेंड में। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30, यानी 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड, ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, -4 रेडियन दूसरा क्वेश्चन है, -4 रेडियन। यहां से देखो, यहां फिर इनिशियल इक्वेशन को हम लेंगे यहां से, यानी पाई रेडियन कितना होता है, 180 डिग्री, इसलिए 1 रेडियन इक्वल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री/π। तो यहां से -4 रेडियन यानी -4 रेडियन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री/π × 4 रेडियन। ये क्या हो जाएगा, डिग्री में ये कन्वर्ट होगा। तो यहां से देखो पाई का हमें क्या करना है, वैल्यू रखना है, यानी 180 डिग्री यानी 22 ऊपर चला जाएगा 7 × 4
अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, काट पीट मचाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 11 और भी मल्टी हो सकता है कुछ। तो देखो हम क्या करेंगे 180 14 यानी 180 14 हम क्या करेंगे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 8 4 32 7 में 3 4 3 7 08 ये 1 02 8 7 15 ये हो जाएगा हमारा। देखो तो माइनस माइनस देखो तो यहाँ पे माइनस 4 डिजिट है, माइनस यहाँ पे देखो इस सब में है, यहां से देखो यहां से हो जाएगा 25 20 बाई कितना 11 डिग्री, इतना डिग्री हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे 25 20 बाई 11 डिग्री को हम पहले पूरा पूरा डिग्री कितना हो जाएगा, पूरा पूरा 229 डिग्री हो जाएगा, 229 डिग्री हो जाएगा 1/11 डिग्री यानी प्लस। अब देखो 1/11 क्या करेंगे, 1/11 को क्या करेंगे हम इसे भी क्या करेंगे, अब डिग्री को मिनट में चेंज करेंगे, यानी 229 डिग्री प्लस 1/11 मल्टीप्लाई 60 से हम क्या कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये मिनट में चेंज हो जाएगा, यानी 229 डिग्री ये कितना हो जाएगा पूरा पूरा मिनट कितना हो जाएगा, 60/11 कितना हो जाएगा 5 मिनट और बच जाएगा 5/11 मिनट। अब 229 डिग्री प्लस 5 हम इसे क्या करेंगे फिर इसे 60 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा सेकेंड में चेंज हो जाएगा, यानी 5 मल्टीप्लाई 60/11 ये क्या हो गया सेकेंड में चेंज हो गया। यहां से 229 डिग्री प्लस 5 मिनट ये कितना 300 हो जाए 300/11 300/11 27 सेकेंड हो जाएगा। तब ये भी क्या हो जा रहा है अप्रोक्स में हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा एक आंसर हो जाएगा, यानी 29 डिग्री 229 डिग्री 5 मिनट 5 मिनट 27 सेकेंड आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ये इजी है, तीन नंबर क्वेश्चन है देखो पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, यानी 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई, यहां से देखो 7π 3 रेडियन इज इक्वल कितना हो जाएगा 180 डिग्री 180 डिग्री बाई पाई मल्टीप्लाई 5π बाई 3। देखो पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 60 यानी 300 डिग्री ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। और चार नंबर हमारा क्वेश्चन है 7π/3 7π/3 इसी तरह हम क्या करेंगे सॉल्यूशन पाई रेडियन कितना होता है 180 डिग्री यानी 1 रेडियन इसको कितना हो जाएगा 180 डिग्री बाई पाई और इसलिए देयरफॉर 7π/3 इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई मल्टीप्लाई 7π/3 यानी देखो पाई से पाई कैंसल ऐसे तक 60 7 6 42 420 डिग्री ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में।